वेलकम टू माय चैनल स्वाति और मैं कैप्टन फन। और आज फिर से मैं आपको लेके आई हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि मैं उसी वेशभूषा में हूँ, नया व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पिछला व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया था। सो अभी फिलहाल हम लोग, मैंने वहाँ पे एंड किया था शिमला में ही हूँ। नाइट स्टे शिमला में ही हुआ है और ये पूरा आप देख रहे होंगे, ये है पूरा नाइट का व्यू शिमला का। और हम लोग रुके हुए हैं थोड़ा सा शिमला से थोड़ा सा हटके, एक होटल पैराडाइज है जिसमें पूरा 2 BHK सेट इन्होंने दे रखा हुआ है। और जो हमारे साथ में मिस्टर ड्राइवर जी हैं भूपेश जी, उन्होंने सजेस्ट किया, उनके जानने वाले हैं तो उनका ही ये पूरा इलाका है और बड़ा ही अच्छा बना हुआ है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं और इसका एड्रेस और इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगी, क्योंकि अगर जब भी आप लोग शिमला आएँ, शिमला में रुकने की बहुत दिक्कत होती है स्पेशली मई जून में, तो उस टाइम पर अगर आप प्री बुक कर लो तो अच्छा रहेगा। और अभी मैं आपको ये प्रॉपर्टी दिखाती हूँ। यहाँ पर है पैराडाइज में, यहाँ के लोग इतने स्वीट हैं कि युग के हल्का सा पेट में दर्द हुआ, मैं हींग लेने आई हूँ और एक घर था बगल में उसी में, और वो बेचारी पुदीना सौंफ अजवाइन उसका पानी बना के मुझे दे रही है कि प्लीज़ उसको पिला दूँ, मतलब इतने स्वीट और इतने हेल्पफुल है, सो नाइस टू देम। बाकी सुबह में शिमला ऐसा लगता है, उस साइड से धूप आ रही है और मैं कोशिश करूँगी आपको दिखाने की, और आपने क्लिप्स भी देखी होंगी अभी। हम लोग यहाँ शिमला में हैं अभी, और शिमला से अभी होटल से जस्ट निकले हैं, और यहाँ पर एक मंदिर है संकट मोचन हनुमान जी का, तो पहले बजरंग बली के दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आपको यहाँ का बजरंग बली का संकट मोचन मंदिर दिखाते हैं। प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि बाबा नीव करौरी जी ने ही इस मंदिर की स्थापना कराई थी, हनुमान जी की स्थापना कराई थी, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। 21 जून 1966 में लगभग ये बना हुआ है। 2023 मंगलवार को यहाँ पर विधिवत मूर्ति प्रतिष्ठा हुई है, तो उसके बाद से ये पूरा मंदिर बना हुआ है। बट स्टार्टिंग में सिर्फ हनुमान जी का मंदिर अंदर था, और अभी यहाँ पर ये नीव करौरी बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, तो काफ़ी प्राचीन मंदिर है।
तो गाइस अब हमारी सेकंड लोकेशन है आज की कसौली, चंडीगढ़ हाईवे पर ही है कसौली, और हम लोग अभी कसौली पहुंच गए हैं। और शिमला जैसा ही लुक है, बट अच्छा है, शांत है। चलिए चलते हैं कसौली के मॉल रोड पर घूमते हैं। दोस्तों कसौली में चार पांच पॉइंट हैं, जिसमें से एक पॉइंट है मनकी पॉइंट, यानी कि बजरंगबली का मंदिर का पॉइंट है। जब संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे बजरंगबली, तो एक पैर यहाँ रखा था कसौली में मनकी पॉइंट पे, और एक पैर रखा था शिमला के जाखू टेंपल। जब मैंने शिमला वाला ब्लॉग, पिछला ब्लॉग में आपको मेंशन किया था कि शिमला में चर्च है, उसके ऊपर एक हनुमान मंदिर भी है, तो वही पॉइंट है जाखू टेंपल पॉइंट, जहाँ पर उन्होंने अपना दूसरा पैर रखा हुआ था। सो वहाँ भी हम लोग नहीं जा पाए, यहाँ भी हम लोग नहीं जा पा रहे। बहुत टॉप पे, बहुत चढ़ाई है और रास्ता बहुत ख़राब है, और जो इनके पासेस हैं जाने के वो इस समय मिलना बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 1 और हमें मिलेंगे वो 2:30 बजे से, तो 1.5 घंटा वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सो कसौली में एक ये पॉइंट है, बाकी 2-4 और पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है, सॉरी सनराइज पॉइंट है, इस तरह से 4-5 पॉइंट। यहाँ पर हम लोगों ने एक लोकल टैक्सी करी हुई है इन लोगों की, जो 800 रुपये इन्होंने लिए हैं और 5 पॉइंट ये घुमाएंगे, तो इस तरह से है। तो इस लोकल पॉइंट में 5 पॉइंट उन्होंने घुमाने को कहा था, जिसमें से एक ये मंथली पॉइंट था, और आगे देखते हैं कौन कौन से पॉइंट है। गाइस ये है कसौली का चर्च, और वो था शिमला का चर्च। सो पूरा कैथोलिक स्ट्रक्चर पे ही शिमला और कसौली बसा हुआ है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर। गाइस अभी हम लोग किसी भी आगे कोई भी पॉइंट में नहीं गए हैं, और यहीं पे उतर लिए हैं, गाड़ी वापस करा ली है, क्योंकि ऐसा कुछ विशेष है नहीं देखने वाला। बेसिकली कसौली एक कंटोनमेंट एरिया है, और पूरा आर्मी बेस है अच्छा खासा यहाँ पर, और उसके अलावा जहाँ भी हम लोग हनुमान जी वाले एरिया में गए थे वो पूरा एयरबेस है बहुत बड़ा, तो अंदर फोन्स भी अलाउड नहीं है, और पूरा सामान भी आप वहीं छोड़ के जाओ। कुल मिला के बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा मुझे। तो मेरा सजेशन यही है, कभी भी आइए कसौली, अगर बहुत मन है आपको देखने का तो आइए, गाड़ी पार्क करिए, मॉल रोड घूमिए, थोड़ा सा वेदर का आनंद लीजिए और जाइए। इसके अलावा अगर कोई राइटर या पोएट है जिसको एक एकांत चाहिए, वो यहाँ पर रूम लेके आराम से अपनी बुक पूरी कर सकता है। बाकी इसके अलावा कसौली फेमस है अपने स्कॉच और विस्की प्रोडक्शन के लिए, और कसौली का बेसिकली उस वर्ड का मतलब है फूलों की वैरायटी, मतलब वैरायटी ऑफ फ्लावर्स। सो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि पिछले 3 सालों से यहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं हुई है, तो वेदर बहुत ऐसा है, ग्रीनरी भी बिल्कुल भी नहीं है। सो आप देख लीजिए, आप अगर आना चाहें कसौली तो, इसके अलावा अगर आपने शिमला विज़िट कर लिया है तो कसौली मेरे ख्याल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम लोग ऐसे ही मॉल रोड विज़िट करेंगे, और उसके बाद निकलेंगे आगे चंडीगढ़ की तरफ के लिए। सो बढ़ते हैं। बेसिकली गाइस फॉरनर्स की बसाई हुई जगह है, और वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा है यहाँ पर। मे बी ये मेरा परसेप्शन हो सकता है, बट मैंने 2-4 लोगों से पूछा है, तो नाइट लाइफ यहाँ की मॉल रोड पे काफ़ी अच्छा है। हो सकता है यंगस्टर्स को ज़्यादा पसंद आए, मैं भी कोई बुढ़ी नहीं हो गई, पर फिर भी मतलब नाइट लाइफ इज़ गुड। बट अभी दिन में तो मुझे ऐसा कुछ विशेष कुछ खास लगा नहीं, काफ़ी कोल्ड वाइब्स हैं फिलहाल के लिए। सो ये था मेरा पर्सनल परसेप्शन। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लोकेशन के लिए, और बढ़ते हैं आगे चंडीगढ़।